फ्रेंड्स, आज का हमारा लिटिल कृष्णा बहुत मुश्किल से टिका हुआ है क्योंकि इसको इरिटेट हो गया ये ये देख सकते हैं आप। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। देखते हैं कब तक टिकता है करछी के साथ। टाइम लग गया इतनी तैयारी करने में और इसको कृष्णा बनाने में तो कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया। उसको खाना खिलाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब ये इंजॉय करेगा, अभी और भी लोग हैं, उसके बाद देखते हैं कब तक टिकता है। सबसे बड़ी बात है कब तक टिकता है। ईशान का दिन नहीं खत्म हुआ है, इसको और घूमना है। ये रात के 11 बज रहे हैं और यहाँ भीड़ का हाल देखिए। ईशु को मैंने कपड़े बदल दिए, पता नहीं था रात को उसको लेके जाएंगे, जिद कर रहा है। और रात को सब इतने रेडी होके घूम रहे हैं। कोई नहीं, कितनी चहल पहल है इधर पे, इतने सारे कृष्णा और ये सब घूम रहे हैं और ईशु हमारा खुश हो रहा है। इसको नींद आ रही है पर ये सोना नहीं चाहता, है ना, है ना। और कितना घूमोगे, कितना सारा घूमोगे, कितना सारा घूमोगे। ऊपर तो कुछ नहीं है। ये मामा के साथ अपने इतनी मस्ती कर रहा है, उनको कंस समझ रहा है, उनको मार रहा है। अभी तो पैर से मार रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। ये ऐसे कभी नहीं करता बट इसको लग रहा है कि आज डिफरेंट डे है, कुछ अलग सा डे है, तो ये थोड़ी सी अजीब तरीके की मस्ती कर रहा है। कभी मार रहा है, कभी प्यार कर रहा है, पूरा दाल चावल लगा के। इशू अभी इसका मेकअप हमने रिमूव नहीं किया है, मेकअप नहीं भी, सिर्फ कुमकुम लगाया था मैंने और कुछ नहीं। छोटा बच्चा है, वैसे भी मेकअप की ज़रूरत क्या, बच्चे तो वैसे ही प्यारे लगते हैं। ये देखो, ये इसके डरामे, इसके डरामे रोज चलते रहते हैं। ये अपने मामा के पीछे पड़ा रहता है। स्टार्ट जो भी निकल जाए, ठीक है। कहाँ है तुम्हारे पापा? दोस्तों, आज हमारा वीडियो यही समाप्त होता है जन्माष्टमी का। वो छोटा सा था तो क्या करें, ये बहुत शैतान है। देखो, एक तो इसकी शर्ट छोटी, ऊपर से इसकी बदतमीजियाँ बहुत बड़ी है। इसको खाना खिला रही थी मैं, इसने पूरे में खाना लगा रखा है। कपड़े इसके चेंज कर दिए हमने और बस टाइम हो गया है काफ़ी। आई होप आप लोगों का दिन अच्छा गया हो। भगवान से दुआ है कि आप लोगों का हर दिन अच्छा जाए। प्लीज़ वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो कर ही दिया है। जो देख रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब करें और इन्जॉय करें। हैप्पी जन्माष्टमी।